महज 19 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। इंडियन टीम के लिए लीड बॉलर बनने का सपना लेके आई हरमनप्रीत को दिग्गज बॉलर्स के सामने ज्यादा मौके नहीं मिल रहे थे। बैटिंग में भी कुछ ऐसा ही हाल था। लंबे लंबे छक्के मारने की काबिलियत तो उनमें थी, लेकिन विकेट पे टिककर लंबे इनिंग्स खेलने के लिए उन्होंने काफी मेहनत करी। उस वक्त उन्हें शायद यह नहीं पता होगा कि इस स्किल की मदद से वो वुमेन्स क्रिकेट को उसका पहचान देने वाली हैं। हरमनप्रीत कौर भुल्लर का जन्म 8 मार्च 1989 को पंजाब के छोटे से गांव मोगा में हुआ। पिता हरमंदर सिंह भुल्लर जुडिशियल कोर्ट में क्लर्क हैं और माँ सतिंदर कौर एक हाउसवाइफ हैं। पिता अपने जमाने में स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर और क्लब लेवल के क्रिकेटर थे। पिता चाहते थे उनका भी कोई बच्चा स्पोर्ट्स खेले। संजोग से जिस दिन हरमनप्रीत का जन्म हुआ, उस दिन पिता उनके लिए एक टी शर्ट लाए जिस पे गुड बैट्समैन लिखा हुआ था। बचपन से ही हरमन को भी तरह तरह के स्पोर्ट्स खेलना पसंद था। उन्होंने अपने पिता को क्रिकेट में लंबे लंबे छक्के मारते देखा था। पिता उन्हें हॉकी सिखाते थे और वो उस हॉकी स्टिक से क्रिकेटिंग शॉट्स खेलती थी। स्कूल और गली मोहल्ले में हरमन कई बार लड़कों को सबसे लंबे छक्के मारने के लिए चैलेंज करती थी। बचपन से ही हरमन वीरेंद्र सहवाग की फैन थी। पिता के इस गेम के प्रति प्यार की वजह से ही उन्होंने अपनी बेटी को भी क्रिकेट खेलने के लिए खूब प्रोत्साहित किया। इस वजह से कई बार पेरेंट्स को स्कूल के टीचर से डांट भी सुननी पड़ती थी कि क्यों मेल डोमिनेंट स्पोर्ट्स के लिए अपनी बेटी का लाइफ बर्बाद कर रहे हो। लेकिन पिता को पता था कि वो क्या कर रहे हैं। हरमन ने अपनी स्कूलिंग ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोगा से की। कमलदीश शोडी, जिन्होंने बडिंग क्रिकेटर्स के ट्रेनिंग के लिए स्कूल में क्रिकेट एकेडमी बनवाया था, साल 2006 में जब हरमन 10th में थी, एक दिन स्कूल ग्राउंड में सोडी जी ने उन्हें कमर पे दुपट्टा बांधे लड़कों के साथ क्रिकेट खेलते देखा। बड़े ही आसानी से वो लड़कों से भी ज्यादा लंबे छक्के मार रही थी। बात करने पे उन्हें हरमन का क्रिकेट के प्रति इंटरेस्ट के बारे में पता चला। सोडी जी ने हरमन के पिता से बात की और उन्हें क्रिकेट अकेडमी भेजने को कहा। उनकी फैमिली, जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, क्रिकेट जैसे महंगे खेल का खर्चा नहीं उठा सकती थी। सोडी जी ने कहा, आप फिकर मत करो, इस बच्ची की सारी एक्सपेंसेस अब मैं उठाऊंगा। ट्रेनिंग के वक्त कोच उन्हें सबसे बेकार बैट और सबसे बेकार बॉल, जिसकी सीम तक नहीं होती थी, उससे प्रैक्टिस करवाते थे। वो हरमन को हर सेशन में एक टारगेट फिक्स करके देते थे, जिसमें उन्हें कम से कम आधे बॉल्स ग्राउंड के बाहर हिट करनी होती थी। और एक आम का पेड़ था, जिसके पार छक्का गया तो छुट्टी। ये उनकी लंबे छक्के मारने की प्रैक्टिस थी। अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटी के लिए 16 साल की उम्र में हरमन ने एसके पब्लिक स्कूल फिरोजपुर ज्वाइन कर लिया, बैटिंग में एज अ फिनिशर और एक मीडियम फास्ट बॉलर। स्कूल टीम और फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट टीम में कंसिस्टेंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस के वजह से बहुत ही जल्द उन्हें पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के कैंप में शामिल कर लिया गया। स्टेट के बेस्ट प्लेयर्स के बीच ट्रेनिंग करने से उन्हें काफी मदद मिली। सिर्फ 2 साल के अंदर वो पंजाब सीनियर टीम का दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन टीम में जगह नहीं मिलने की वजह से उन्हें 1 साल और अंडर 19 खेलना था। अंजू जैन, जो कि फॉर्मर इंडियन कैप्टन थी और उस वक्त बीसीसीआई के सिलेक्शन कमेटी की चेयरमैन भी थी, 2007-08 अंडर 19 इंटर जोनल वनडे कॉम्पिटिशन में उन्होंने हरमन को खेलते देखा। 2009 वर्ल्ड कप के लिए वो एक ऐसे प्लेयर की खोज में थी जो बिना किसी डर के लंबे लंबे छक्के मार सके। उनकी खोज खत्म हुई। उस टूर्नामेंट के 4 इनिंग्स में हरमन ने सिर्फ 37 की एवरेज और 59.2 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी थी, लेकिन अंजू जी को उनका इंटेंट पसंद आया। प्रोफेशनल क्रिकेट खेले उन्हें 4 साल भी नहीं हुआ था और अब वो सीनियर इंडियन स्क्वाड के साथ नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलोर में वर्ल्ड कप के लिए 29 प्रोबेबल प्लेयर के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। लेकिन उनका असली स्ट्रगल टीम में सेलेक्ट होने के बाद शुरू हुआ। फाइनल स्क्वाड में उनका सेलेक्शन हुआ। डेब्यू के लिए इससे अच्छा मौका क्या ही होता, वर्ल्ड कप जैसा बड़ा स्टेज और पाकिस्तान जैसे मजबूत टीम के खिलाफ। 7 मार्च 2009 को अपना ओडीआई डेब्यू किया। टीम में उनका मेन रोल एक बॉलर का था, जो लोअर ऑर्डर में थोड़ा पावर हिटिंग बैटिंग कर सके। लेकिन टीम के दिग्गज बॉलर झूलन गोस्वामी और अमिता शर्मा की मौजूदगी की वजह से उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिल रहे थे। डेब्यू मैच के 4 ओवर में उन्होंने 10 रन दिए। अगले 2 मैच में ना ही उनको बैटिंग मिला और ना ही बॉलिंग। 11 जून 2009 को T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। इस टूर्नामेंट में भी उन्हें ना ही बैटिंग में और ना बॉलिंग में ज्यादा मौके मिले। उन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि टीम में जगह बनाने के लिए उन्हें लंबे इनिंग्स खेलने वाला बैट्समैन बनना पड़ेगा। उन्होंने इसके लिए काफी मेहनत करी। बेखौफ बैटिंग के लिए सहवाग और लंबे इनिंग्स खेलने के लिए उन्होंने अजिंक्य रहाणे के बैटिंग को फॉलो किया। कोच यादविंदर सिंह सोढ़ी ने उन्हें बस एक बात कही
तुम्हें जो टेक्निक जो स्किल सीखना है सीखो, लेकिन अपना नेचुरल गेम इसको मत खोना। 2012 T20 एशिया कप में इंडियन टीम की कैप्टन मिथाली राज इंजरी के कारण फाइनल में नहीं खेल सकी। 23 साल की उम्र में हरमनप्रीत कौर को टीम का कैप्टन बनाया गया। ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। 81 रन जैसे लो टोटल को डिफेंड करते हुए अपने कप्तानी में टीम को 18 रन से मैच जितवाया। साल 2012 में एक स्टेबल इनकम के लिए हरमन रेलवेज में नौकरी खोजने गई तो उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि वो कोई हरभजन थोड़ी हैं, एक महिला क्रिकेटर हैं, आपको कौन जानता है। बाद में डियाना एडुलजी और सचिन तेंदुलकर के हेल्प से उन्हें नौकरी मिली। 13 अगस्त 2014 को इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। नवंबर 2014 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में 9 विकेट चटकाए और अपनी टीम को एक इनिंग्स और 34 रन से मैच जितवाया। 2016 वर्ल्ड T20 में भी उनका शानदार प्रदर्शन था। 4 मैच में उन्होंने 89 रन बनाए और बॉलिंग में 7 विकेट भी लिए। हरमन और इंडियन क्रिकेट टीम दोनों मैचेस तो खेल रहे थे, लेकिन उन्हें अब तक वो पहचान नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे। 2005 वर्ल्ड कप में भी इंडियन टीम फाइनल्स तक पहुंची, लेकिन वो पहचान, वो लोकप्रियता वुमेन्स क्रिकेट टीम को अब तक नहीं मिला था। 20 जुलाई 2017 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। अब तक टूर्नामेंट में हरमन का बल्ला नहीं बोला था, लेकिन लंबे इनिंग्स और लंबे छक्के की कॉम्बिनेशन आज इतिहास लिखने जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में हरमन ने 115 बॉल्स पे नाबाद 171 रन मारे। इस मैच को इंडिया में 12.5 करोड़ लोगों ने देखा। इंडिया ने उस दिन क्रिकेटिंग फील्ड पे शेरनी को दहाड़ते देखा। उस दिन इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम को एक पहचान मिला जिसकी वो हकदार हैं। हरमन पहली इंडियन महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने वुमेन्स बिग बैश लीग में खेला हो। साल 2017 में उन्हें अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया। 2018 में उन्हें T20 टीम का कैप्टन बनाया गया और उसी साल के T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ 51 बॉल पे 103 रन बनाए। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर अ सेंचुरी इन अ T20 इंटरनेशनल्स, जिसमें 7 चौके और 8 छक्के शामिल थे। 2022 वर्ल्ड कप के बाद जब इंडियन टीम की ग्रेट लीडर और कैप्टन मिथाली राज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, तो वाइस कैप्टन हरमनप्रीत कौर को इंडियन टीम का कैप्टन बना दिया गया। तो ये थी कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने अपनी और अपना देश का पहचान पूरी दुनिया में बनाया। वुमेन्स डे पे जन्मी ये लड़की देश की लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन बनी कि लिमिट्स हमारे सोच में होता है। लड़कियां हर वो चीज कर सकती हैं जो वो सोच ले और ठान ले। तो हम लोग प्रे करते हैं कि हरमनप्रीत अपने कप्तानी में इंडिया को ढेर सारे मैचेस जिताएं और इंडियन टीम को वर्ल्ड कप भी जिताएं। इस वीडियो से आपने क्या सीखा नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।